हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 का ज्योग्राफी का 6th चैप्टर मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। इस चैप्टर में बताया गया है वेरियस टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स के बारे में। लैंडफॉर्म्स होते हैं जिनके एग्जांपल हैं प्लेन्स होते हैं, प्लेट्यूज, माउंटेन्स, वेरियस टाइप्स ऑफ माउंटेन रेंजेस, हिल्स और भी बहुत सारी चीज़ें। चैप्टर में बताया गया है अनगिनत, इनफाइनाइट का मतलब होता है अनगिनत, अनगिनत टाइप्स के, अनगिनत प्रकार के लैंडफॉर्म्स होते हैं हमारी अर्थ पर। कुछ जो होते हैं लिथोस्फेयर पे होते हैं, लिथोस्फेयर जो होती है कुछ तो खुदरी होती है और कुछ बिल्कुल समतल यानी कि बिल्कुल ही फ्लैट होती है। और लैंडफॉर्म्स मेनली जो रिजल्ट होते हैं वो होते हैं दो प्रोसेस के, एक होता है इंटरनल प्रोसेस और दूसरा होता है एक्सटर्नल प्रोसेस। इंटरनल प्रोसेस जो होता है वो होता है जो हमारी अर्थ क्रस्ट के नीचे, जो अर्थ के अंदर क्या होता है, कंटिन्यूस मूवमेंट होती रहती है, मतलब पूरे टाइम कुछ ना कुछ चलता रहता है। पहले क्या होता है, द फर्स्ट और द इंटरनल प्रोसेस लीड्स टू द अपलिफ्टमेंट एंड सिंकिंग ऑफ द अर्थ सर्फेस एट सेवरल पार्ट एट सेवरल प्लेसेस। तो इसमें बताया गया है कि इंटरनल प्रोसेस में क्या होता है कि अंदर से जैसे मैग्मा लावा वगैरह होता है वो ऊपर की तरफ आता है और अर्थ सर्फेस अनइवन हो जाता है, कहीं पर ऊपर उठ जाता है, कहीं पर नीचे धस जाता है। तो इससे क्या होता है, वेरियस टाइप के लैंडफॉर्म्स बनते हैं। सेकंड जो होता है वो होता है एक्सटर्नल प्रोसेस। इसमें क्या होता है, जो लैंडफॉर्म्स इंटरनल प्रोसेस की वजह से बने होते हैं जैसे कि माउंटेन्स, अपलिफ्टमेंट जो से इंटरनली जो मूवमेंट्स चलती रहती हैं उसकी वजह से माउंटेन्स फॉर्म होते हैं, तो उनकी क्या होती है, कंटिन्यूस वियरिंग डाउन और रीबिल्डिंग होती है। मतलब वेरियस फॉर्म्स ऑफ नेचर जैसे विंड की वजह से, वाटर की वजह से, इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है, इरोजन होने लगता है, उसकी जो ऊपर की सॉइल होती है वो उड़ के किसी दूसरी जगह पर पहुंच जाती है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं इरोजन, और एक जगह से उड़ती है दूसरी जगह पे जाके बैठती है उसको बोलते हैं डिपोजिशन। तो इरोजन, डिपोजिशन, ये वाला जो प्रोसेस होता है ना इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल प्रोसेस। ये मेनली दो तरीके से होता है, रनिंग वाटर, आइस, विंड। तो क्या होता है कि जो लैंडफॉर्म्स होते हैं हम ब्रॉडली दो या तीन पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि माउंटेन्स जो ऊंचे होते हैं, प्लेट्यू जो माउंटेन्स से थोड़े नीचे होते हैं, और प्लेन्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा नीचे होते हैं। और इनकी जो हाइट मेजर की जाती है वो मीन सी लेवल से मेजर की जाती है, और सी लेवल की जो हाइट को हम जीरो मान के चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे माउंटेन्स के बारे में। माउंटेन्स इज एनी नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सर्फेस, मतलब किसी भी जगह पर जो उठा हुआ थोड़ा पार्ट होता है, अर्थ से ऊंचा जो होता है उसको हम माउंटेन बोलते हैं। इसमें पिक्चर में देखिए, ये जो बच्ची दिखाई हुई है ये फोल्ड माउंटेन बना रही है, मतलब आप अपनी अगर बुक को ऊपर के नीचे से दबाओगे तो वो ऊंची तरह से हो जाती है, तो इसी टाइप की कुछ माउंटेन होती है। तो ये कैसे बनती है, माउंटेन्स मे हैव स्मॉल समिट एंड ब्रॉड बेस, इट इज़ कंसिडरेबली हायर देन द सराउंडिंग एरिया, मतलब जो सराउंडिंग एरिया होता है जो शायद प्लेन हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है, उससे जो होती है माउंटेन्स वो ऊंची होती हैं। और कुछ माउंटेन्स इतनी ऊंची होती हैं जो मतलब कि बादलों को छूती हैं, जैसे कि हमारी माउंट एवरेस्ट है। कुछ माउंटेन्स क्या होती हैं, परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस होती हैं, जैसे हम ग्लेशियर कहते हैं। कुछ जो माउंटेन्स होती हैं जिनमें पूरे टाइम बर्फ जमी रहती है, और ऐसी माउंटेन्स को हम बोलते हैं ग्लेशियर। और कुछ ऐसी होती हैं माउंटेन्स जो सी के अंदर होती हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, लोग रहते हैं इनमें, इन माउंटेन्स में और अलग अलग जगह, और जहाँ के कंडीशंस बहुत ज़्यादा हार्श होती हैं। यहाँ पे अगर हम लोगों को फार्मिंग करनी है तो वेरियस टाइप ऑफ फार्मिंग होती है, जैसे कि स्टीप हिल्स, स्लोप्स पे बनाए जाते हैं, इस तरीके की फार्मिंग वहाँ पर की जाती है माउंटेन्स में। तो अब आगे देखते हैं, माउंटेन्स में बी रग्ड इन अ लाइन, अरेंज्ड इन अ लाइन नोन एज रेंज, मतलब जैसे कि वो होता है ना, हम लोग स्कूल में बनाते थे एक एक ट्राइंगल बनाया, फिर उसके साइड में दूसरे ट्राइंगल बनाया, उसके साथ में ट्री तरह ट्राइंगल बनाया, और मिला मिला के खूब सारे ट्राइंगल्स बना के हम लोग माउंटेन बनाते थे। तो ऐसी जो माउंटेन की रेंज सीरीज होती है उसको हम बोलते हैं रेंज। मैनी माउंटेन सिस्टम्स कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ पैरेलल रेंजेस एक्सटेंडेड ओवर थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर, जैसे कि इनके जो एग्जाम्पल हैं वो है हिमालयाज, अल्प्स, एंडीज, इसी तरीके की माउंटेन है। हिमालयाज है हमारे एशिया में, अल्प्स हैं यूरोप में, और एंडीज है साउथ अमेरिका में। इनकी जो हाइट और शेप होती है वो काफी ज्यादा वेरी करती है।
अब देखिए हमें इस बॉक्स में क्या दिया हुआ है। ब्लू बॉक्स में हमें बताया गया है कि माउना किया जो हवाई में है पैसिफिक ओशन में, वो अंडर सी माउंटेन है और उसकी जो हाइट है ना वो माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा है, वो है 10,205 मीटर की, और माउंट एवरेस्ट की क्या है 8,825 मीटर। तो ये जो है माउना किया जो पैसिफिक ओशन में है ये अंडर सी है, मतलब ओशंस जो है उसके अंदर ये पाई जाती है। और यहाँ पर देखिए यहाँ के ब्लू बॉक्स में क्या था, हिल क्या होता है ये बताया गया है। अ हिल इज अ लैंड सरफेस दैट राइजेस हायर देन द सराउंडिंग एरिया, मतलब हिल सराउंडिंग एरिया से जो ऊंचा लैंडफॉर्म होता है उसको हम हिल बोलते हैं, और हिल जो होता है वो 600 मीटर से ज्यादा स्टीप होता है, ये बताया गया है। अब आगे हम देखते हैं इसमें चैप्टर में, फिर हम लोगों को बताया गया है कि माउंटेन्स तीन टाइप्स की होती हैं, होल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन और वॉल्केनिक माउंटेन। हिमालयाज, एल्प्स, ये जो है ये हमारी फोल्ड माउंटेन है, रगेड रिलीफ, रगेड रिलीफ का मतलब होता है खुदरी सी, ये थोड़ी खुदरी है और इनकी हाई कोनिकल पीक्स होती हैं, कोन जैसे आइसक्रीम हम खाते हैं ना, आइसक्रीम कोन वाली आइसक्रीम होती है, इसी टाइप इसी बिल्कुल शेप की माउंटेन जो होती है उसको बोलते हैं कोनिकल माउंटेन्स। अरावली जो है हमारे इंडिया में वो कभी कई हजार साल पहले फोल्ड माउंटेन हुआ करती थी और वो काफी ऊंची हुआ करती थी, मगर समय के साथ उनका इरोजन हो गया जो आज बहुत ही नीची है। रेंज हैज कंसिडरेबली वॉर्न डाउन ड्यू द प्रोसेस ऑफ इरोजन, अरावली जो है वो इरोजन की वजह से काफी ज्यादा छोटी हो गई है। अपलाचियंस है नॉर्थ अमेरिका में, यूरल्स हैं रशिया में, इनकी क्या है राउंडेड फिगर है, ये थोड़ी गोल गोल सी है और इनका जो एलिवेशन है मतलब इनकी जो हाइट है वो थोड़ी लो है, और ये बहुत ही पुरानी ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं। तो न्यू फोल्ड माउंटेन्स के एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, एल्प्स, हिमालयाज, और ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स के अरावली हो गया, अपलाचियंस हो गया, यूरल्स हो गया। अब ब्लॉक माउंटेन्स क्या होती हैं, ब्लॉक माउंटेन्स ऐसे बनती हैं जैसे कि मान लीजिए कोई कुछ अर्थ में कुछ मूवमेंट्स हुई, पहले प्लेन पार्ट था, क्या हुआ मूवमेंट्स की वजह से एक पार्ट तो उसका नीचे की तरफ थक गया और दूसरा पार्ट ऊपर ही रह गया, तो इस तरीके से जो माउंटेन्स बनती हैं उनको बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन्स। देखिए जैसे हमारी फिगर में दिख रहा है जो नीचे धसा हुआ पार्ट है इसको हम बोलते हैं ग्रेबन, और जो ऊपर ऊपर उठा हुआ पार्ट होता है इसको हम होस्ट बोलते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है ब्लॉक माउंटेन्स आर क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरियाज आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली, ऊपर की तरफ होके वो डिस्प्लेस हो जाती है और जो नीचे की तरफ धसता है उसको ग्रेवन कहते हैं, जो ऊपर की तरफ होता है उसको होस्ट कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है रिहाइन वैली एंड द वॉस्कास माउंटेन इन यूरोप। तो एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमने फोल्ड माउंटेन्स के यंग फोल्ड माउंटेन हिमालयास और एल्प्स, ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हमारी क्या है अरावलीज हैं और अपलाचियंस हैं जो नॉर्थ अमेरिका में हैं। ब्लॉक माउंटेन्स क्या होती है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होता है जिसमें क्या होता है जो नीचे की तरफ धस जाता है जो पार्ट उसको हम ग्रेवन कहते हैं, जो ऊपर की तरफ उठा हुआ रहता है उसको होस्ट कहते हैं। और इनके एग्जाम्पल्स हैं रिहाइन वैली एंड वॉस्कास माउंटेन इन यूरोप, यूरोप में रिहाइन वैली और वॉस्कास माउंटेन्स। अब हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ माउंटेन्स है वॉल्केनिक माउंटेन्स, इसके एग्जाम्पल है माउना, एक तो माउंट फुजियामा है जो कि जापान में है, और माउंट किलिमंजारो जो कि अफ्रीका में है। तो ये जो माउंटेन्स बनती हैं वो वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से बनती हैं, जैसे वॉल्केनोस फटते हैं उनका लावा निकलता है और ऐसा कंटिन्यूस प्रोसेस होता जाता है होता जाता है, तो वॉल्केनिक माउंटेन्स बन जाती हैं। अब हमें बताया गया है कि माउंटेन्स जो है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है, कैसे यूजफुल होती है, माउंटेन से बहुत सारे झरने हमें मिलते हैं, माउंटेन से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, तो इसको स्टोर हाउस ऑफ वाटर कहा जाता है, बहुत सारे ग्लेशियर्स जो होते हैं वो भी माउंटेन्स में प्रेजेंट होते हैं, तो इसमें इतना ज़्यादा पोटेंशियल होता है हमें वाटर प्रोवाइड करने का, जो नदियाँ आती हैं उससे हमारी फसल को हमारे इरीगेशन करते हैं, सिंचाई दी जाती है, द रिवर वैलीज एंड टेरेसेस आर आइडियल फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स, और जो रिवर वैलीज मतलब जहाँ से रिवर निकलती हैं उसके आसपास का एरिया बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है, उपजाऊ होता है, वहाँ बहुत सारे फूल पौधे होते हैं, बहुत सारे जानवर रहते हैं, तो फ्लोरा और फौना, फ्लोरा का मतलब होता है फूल और फौना यूज होते हैं जानवरों के लिए, तो वहाँ पे फ्लोरा फौना बहुत अच्छा होता है, जंगल होते हैं जहाँ पर पानी होता है, नदियाँ होती हैं, तो लकड़ी भी बहुत आसानी से मिल जाती है, और जंगलों के और प्रोडक्ट्स जैसे कि रबर हो गया, फ्रूट्स हो गए, मतलब अनगिनत प्रोडक्ट्स हैं जो हमें पेड़ों से और जंगलों से मिलते हैं। अब देखिए हमें वॉल्केनिक माउंटेन के बारे में बताया गया है, अब ये क्या है, ये एक वॉल्केनो का सीन है, इसमें जो अंदर ऑरेंज ऑरेंज कलर का है ये है मैग्मा, ये मैग्मा
उबल रहा है और बाहर निकले के लिए अपना रास्ता ढूंढ रहा है। तो ये देखिए जो ये लंबी लंबी लाइंस हैं, ये जो बाहर की तरफ जा रही हैं, ऊंची उठी हुई हैं, ये यहाँ से बाहर को निकलता है। अंदर जब रहता है वोल्केनो के अंदर जमीन के नीचे, तो इसको मैग्मा बोलते हैं। और जैसे ही ये अर्थ के ऊपर आ जाता है, अर्थ क्रस्ट पे आ जाता है, तब हम इसको लावा बोलते हैं। और एक जगह से ऊपर साइड से बिल्कुल जब फट जाता है, तो लावा बॉम्ब में से बहुत सारी डिफरेंट गैसेस निकलती हैं, एशेज निकलती हैं, और बहुत ज़्यादा धुआं धुआं सा हो जाता है। और इससे जो मोल्टन लावा निकलता है, उसी से वोल्केनिक माउंटेन्स बनती हैं। फिर हम एग्जाम्पल दिया हुआ है कि हमें गम्स मिलते हैं, रेजिन्स मिलते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं फॉरेस्ट से। माउंटेन प्रोवाइड्स एन आइडियली साइट आइडियलिक साइट फॉर टूरिस्ट। और माउंटेन्स में हम लोग हिल स्टेशन होते हैं हमारे बहुत सारे, जैसे हमारा नैनीताल है, मसूरी है, इस तरह के हिल स्टेशन होते हैं, तो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ती हैं, सीनिक ब्यूटी बहुत अच्छी होती है, और बहुत सारे स्पोर्ट्स भी खेले जा सकते हैं, जैसे कि इसमें पैराग्लाइडिंग है और राफ्टिंग है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पर माउंटेन्स होती हैं। हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं माउंटेन से, रिवर्स से, फॉरेस्ट से। अब आते हैं प्लेट्यूज पे। प्लेट्यूज क्या होता है? प्लेट्यू इज एन एलिवेटेड फ्लैट लैंड, इट इज़ अ फ्लैट टॉप्ड टेबल लैंड स्टैंडिंग अबव द ग्राउंड एरिया। मतलब नीचे ग्राउंड होता है, प्लेन होता है, फ्लैट, और ऊपर एलिवेशन होता है, मगर इनका जो टॉप होता है वो फ्लैट होता है। माउंटेन्स में ज़्यादातर क्या होता है, टॉप जो होता है कोनिकल होता है, नहीं तो राउंड होता है। प्लेट्यूज में क्या होता है, इनका जो टॉप होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा फ्लैट होता है। जैसे कि आपकी नोटबुक अगर आप बंद करेंगे तो आपको फ्लैट दिखेगी ना, इसी तरीके से जो प्लेट्यूज का टॉप होता है वो फ्लैट होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें एक से ज़्यादा स्टीप साइड्स भी होती हैं, और हाइट जो होती है इनकी वो वेरी करती है फ्यू हंड्रेड से फ्यू थाउजेंड मीटर्स तक की। जैसे कि सबसे हमारे जो इंडिया में है डेकन प्लेट्यू, वो काफ़ी ज़्यादा पुराना प्लेट्यू है, और ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू है, केनिया तंजानिया युगांडा के बीच में पड़ता है। वेस्टर्न प्लेट्यू जो ऑस्ट्रेलिया क्या है, वो कुछ एग्जांपल्स हैं प्लेट्यू के। और तिब्बतन प्लेट्यू जो है वो वर्ल्ड का हाईएस्ट प्लेट्यू है, जिसकी हाइट है 4000 से 6000 मीटर अबव द मीन सी लेवल। मतलब जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा जो प्लेट्यू है वो है तिब्बतन प्लेट्यू, जिसकी हाइट है 4000 से 6000 मीटर की। और हमारे इंडिया में हमें कहाँ मिलता है, डेकन जो एरिया है, डेकन प्लेट्यू, वो हमारे इंडिया का प्लेट्यू है। और जो ये ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू है, ये हमें केनिया तंजानिया युगांडा में मिलता है। आपको ये सब कंट्रीज काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आपको मैप में इनको देखना चाहिए। तो जो प्लेट्यूज होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्यों? क्योंकि हमें प्लेट्यूज से बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं। मिनरल्स जैसे कि हमें आयरन मिलता है प्लेट्यूज से, बहुत सारे क्रोमियम, निकल, गोल्ड, सिल्वर, मोस्टली जितने भी प्रेशियस मेटल होते हैं या फिर जो भी मेटल हमारे यूज में आते हैं, वो हमें प्लेट्यूज से ही मिलते हैं। डायमंड्स जैसे अफ्रीकन प्लेट्यूज के गोल्ड और डायमंड माइनिंग होती है, बहुत फेमस है। इंडिया का जो फेमस प्लेट्यू है छोटा नागपुर प्लेट्यू, जिसमें हमें आयरन, कोल, मैंगनीज, ये सब चीज़ें मिलती हैं। प्लेट्यूज से बहुत ज़्यादा, बहुत सारी रिवर्स भी निकलती हैं, वाटरफॉल्स होते हैं। वाटरफॉल्स होते हैं जैसे कि एक माउंटेन है या फिर प्लेट्यू है, बहुत ही ऊंचाई से जब कोई रिवर, मतलब पानी जब ऊंचाई से नीचे गिरता है ना, तो उसको हम वाटर, वाटर मतलब पानी, फॉल मतलब गिरना, तो उसको हम कहते हैं वाटरफॉल। जब ऊंचाई से बहुत ज़्यादा पानी गिरता है तो उसको वाटरफॉल कहते हैं, वो बहुत ही सुंदर लगता है। तो सीनिक ब्यूटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे टूरिस्ट आते हैं। तो इंडिया में हुंडरू फॉल्स है छोटा नागपुर प्लेट्यू में, जो सिचुएटेड है रिवर सुबर्ण रेखा पे। और एक जॉक फॉल्स है जो कि कर्नाटक में है, ये हमारे देश के एग्जांपल्स है वाटरफॉल के। तो कौन कौन से हैं, सुबर्ण रेखा पर कौन सा है छोटा नागपुर प्लेट्यू में, हुंडरू फॉल्स, जॉक फॉल्स है कर्नाटक में। तो क्या होता है प्लेट्यू में, क्या होता है जब लावा निकलता है, लावा प्लेट्यूज जो होते हैं हमारे, वो जैसे वोल्केनिक माउंटेन्स होती हैं, ऐसे ही लावा प्लेट्यूज भी होते हैं। उनकी जो ब्लैक सॉइल होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है फसलें उगाने के लिए, और प्लेट्यूज जो होते हैं काफ़ी सुंदर भी होते हैं, तो लोग भी आते हैं वहाँ पे घूमने। अब हम पढ़ते हैं प्लेन्स के बारे में। प्लेन्स होते हैं लार्ज स्ट्रेचेज ऑफ फ्लैट लैंड, प्लेन एरिया होता है। इनकी जो एलिवेशन होती है वो 200 मीटर से ज़्यादा नहीं होती, 200 मीटर मीन सी लेवल से ज़्यादा नहीं होती, और एक जैसे होते हैं, उबड़ खाबड़ नहीं होते, बिल्कुल एक जैसे होते हैं, और हाईली पॉपुलेटेड होते हैं, क्योंकि यहाँ से रिवर्स निकलती हैं, उनकी वेरियस ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज मतलब होता है जैसे कि एक सीधी रिवर जा रही है, उसमें कोई और छोटी रिवर आके मिल गई, तो बड़ी रिवर में जो छोटी रिवर आके मिली है वो उस बड़ी रिवर की ट्रिब्यूटरी होगी।
अब इसमें हम लोगों को प्लेन्स में बहुत सारे, मतलब प्लेन्स में ही मोस्टली इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, घर बनते हैं, कंस्ट्रक्शन होता है, और क्योंकि वहाँ से नदियाँ भी बहती हैं प्लेन्स एरियाज में से, तो सेंट्रल सिल्ट होता है, आसपास का एरिया भी उपजाऊ होता है और रहना बहुत आसान होता है। जैसे एग्जाम्पल है हमारे इंडिया में गंगा ब्रह्मपुत्र वैली, वर्ल्ड में आप देखें तो एशिया और नॉर्थ अमेरिका की वेरियस रिवर्स हैं, चाइना में है यांगजे रिवर, ये ह्यूमन हैबिटेशन के लिए सब बताया काफ़ी अच्छा होता है, कल्टिवेशन वगैरह बहुत अच्छा होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। अब लैंड फॉर्म्स एंड द पीपल, तो ह्यूमन बींग्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स में रहते हैं, कुछ लोग पहाड़ों में रहते हैं, माउंटेन एरियाज में, कुछ लोग प्लेन्स में रहते हैं, कुछ लोग प्लेट्यू रीजन्स में रहते हैं, कुछ लोग वोल्केनोज के पास भी रहते हैं, कुछ ऐसी जगह भी रहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा नेचुरल कैलामिटीज आ सकती हैं, जैसे कि अर्थक्वेक आ सकता है, एक वोल्केनिक इरप्शन मतलब वोल्केनो फट सकते हैं, बाढ़ आती हैं, सुनामीज आती हैं, ऐसी जगह ऐसी एरियाज के पास भी लोग रहते हैं, और ऐसे जो नेचुरल इवेंट्स होते हैं इनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन लाइफ का भी लॉस होता है और इकोनॉमिक प्रॉपर्टी का भी लॉस होता है। और फिर हमें आगे बताया गया है कि हम लोग किस तरीके से अपनी जो ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनको हम बर्बाद कर रहे हैं, और पॉल्यूशन फैलाकर हम किस तरीके से अपने ये नेचुरल जो कैलामिटीज़ हैं इनको बढ़ा रहे हैं। देखिए जैसे इस पॉल्यूशन पॉल्यूटेड रिवर को हमें दिखाया गया है, और ऐसे हम डैम्स बना रहे हैं, मतलब इरेगुलेटेड है सब कुछ, और बहुत इस तरीके से चल रहा है कि बहुत ज़्यादा ह्यूमन हैबिटेशन के लिए और हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ें हम खुद ही फैला रहे हैं, जैसे कि हम कूड़ा इधर उधर डाल देते हैं जो हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो आपसे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने आसपास सफाई रखिए और हरियाली बढ़ाइए, पेड़ लगाइए और खुश रहिए।